अपने अंतर मन को अपना मित्र कैसे बनाए और ज्यादा से ज्यादा सफलता कैसे पाए, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने मन की बात करता है, अंतर मन की बात करता है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और हमको ये पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड हमको चलाता है, तो उसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना के ज़्यादा से ज़्यादा सफलता कैसे पाए। सिगमंड फ्रॉइड, इनको साइकेट्री का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने मन के तीन भाग किए, इद, ईगो और सुपर ईगो। इद मतलब अपना वासना मन, उसको चाहिए, खाना चाहिए, सेक्स चाहिए, शराब चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, जो चाहे वो चाहिए उसको, बस नीड है उसकी, और ज़्यादा इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करता है वो इद। ईगो जो है उसका काम ये है, वो एक मन का पार्ट है, दूसरा पार्ट ईगो, उसका काम यह है कि भाई वातावरण से जो चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ इद को उपलब्ध करवा के देना। कई मतलब यह है कि इद ने समझो ऐसा ये किया कि भाई मुझे अभी बादाम शेक चाहिए और पीने की बहुत इच्छा हो रही है, तो अंदर से आवाज़ आई बादाम शेक चाहिए, अभी खाना हो गया, अभी बादाम शेक होना है, तो अभी ईगो का काम यह है कि वो बादाम शेक प्रोवाइड करना। तो वो ईगो बॉडी को ऑर्डर देके बॉडी वैसा वैसा काम करेंगे और आपको वो बॉडी ईगो मतलब बादाम शेक लाएंगी, पिएंगे और ईद को सेटिस्फाई करेंगे। तो ईद हो गया, ईगो हो गया। तीसरा पार्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो का काम यह है, उसको बोलते हैं संस्कार मन, संस्कार मन, विवेक मन, सत्सत विवेक बुद्धि। इसका काम क्या है, ये तीसरा पार्ट है मन का। इसका काम है कि भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, अपने संस्कार के अपने ऊपर वहाँ से वैसा ऑपरेट करना। मतलब एक आधा आदमी बोलता है कि ठीक है अभी खाना हो गया है, रात को 11 बजे है, और अभी मुझे लगा है बादाम शेक चाहिए भाई, बहुत ही पीने की इच्छा हो रही है बादाम शेक पीने का, तो ये कहाँ से आई डिमांड, ईद से आई। ईगो बोलता है कि ठीक है ला लेंगे बादाम शेक, पैसे है जेब में, 100 रुपये का बादाम शेक मिल जाएगा एक ग्लास, बुला लेंगे जोमेटो से और स्विगी से या और कहीं से और पियेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर सुपर ईगो बोलता है कि देखो आप अकेले पियेंगे क्या, बाकी सब तो घर में है, सबको लगेगा, और सबके 100-100 रुपये, घर में 5 लोग हैं 500 लगेंगे, अपना भी बजट बनता नहीं है, अपना बजट अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो अभी बादाम शेक अभी नहीं पियेंगे और अभी ये पोस्टपोन करेंगे, बाद में लेंगे। तो सुपर ईगो ये देखता है कि करना ठीक है, उचित है, अनुचित है, झूठ बोलना नहीं बोलना, सत्य असत्य, सही गलत, मतलब वो उसमें चलता है। तो ये उन्होंने तीन पार्ट किए। वैसे सिगमंड फ्रॉइड ने मन के दो और पार्ट किए, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। उन्होंने प्री कॉन्शियस माइंड में बोला, मगर हम अपने समझने के लिए मन के दो ही पार्ट करते हैं, एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड 10% होता है, 10%, और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। हमको जो चलाता है वो सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, और 90% ताकत सबकॉन्शियस माइंड की है, 10% ताकत ही कॉन्शियस माइंड के पास में है। मगर कॉन्शियस माइंड के पास में बुद्धि है, दिमाग है, और सबकॉन्शियस माइंड को वो चला सकता है। एक एग्जांपल मुझे देना है तो एक घोड़ सवार और घोड़ा, आपने देखा होगा रेस कोर्स में घोड़े बहुत ज़ोर से दौड़ते हैं, वो रेस कोर्स में दौड़ने वाला घोड़ा हॉर्स, और इसलिए उसको हॉर्स पावर बोलते हैं, बहुत पावरफुल रहता है हॉर्स पावर, बहुत ताकतवर रहता है, मगर उसको दौड़ाने वाला आदमी एक छोटा सा लड़का उसके ऊपर बैठता है और दौड़ाता है, वो रहता है जॉकी, वो 10% है और घोड़ा 90% है, दौड़ाता कौन है 10%। वैसा ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का होता है, सबकॉन्शियस को चलाने वाला है कॉन्शियस माइंड। तो ये पार्ट होने के बाद में फिर हम जाएंगे कि ये सबकॉन्शियस माइंड जब पावरफुल है, 90% ताकत उसके पास में है, तो फिर उसको चलाना कैसे अपने फायदे के लिए, उसका इस्तेमाल कैसे करना फायदे के लिए, क्योंकि सब कुछ जो अपना जो अस्तित्व है वो सबकॉन्शियस माइंड से होते रहता है। तो अभी वो हम देखेंगे, और मैं आपको 8 टिप्स देने वाला हूँ कि जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो कौन से है पॉइंट, तो पहला टिप है, फर्स्ट वन, डू नथिंग, कुछ भी मत करो। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो हमारे 5 सेंसेस से जो अंदर जाते हैं इम्पल्सेस, स्टिम्युलेशन, वो जाएगा नहीं।
क्योंकि क्या होता है कि हर इंपल्स जब अंदर जाता है तो उसका रिएक्शन होते रहता है अंदर से, ब्रेन से। कौन से पंचेंद्रिय हमारे? आँख, कान, नाक, जीवा और चमड़ी। तो ये पंचेंद्रिय से अंदर सेंसेशन जाते हैं, अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है और वहाँ से अपना मन बनता है, सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड को हमने खाने के लिए दिया ही नहीं, पंचेंद्रिय से अंदर कुछ माल अंदर भेजा ही नहीं, तो क्या होगा? वो सोचेगा सोचेगा, अंदर जो विचार है सोचेगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि विचार थोड़े शांत हो जाएंगे और शांत विचार होने के बाद में कुछ नया सोचना चालू हो जाएगा, नई क्रिएटिविटी चालू हो जाएगी, अंतर्मन में जो है वो कुछ बाहर आ जाएगा, अंतर्मन कुछ नया सोचेगा, सबकॉन्शियस माइंड। समझो आपको मकान खरीदना है, 1 करोड़ का मकान है या फ्लैट है खरीदना है, फिर वो सोचेंगे यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जब आप शांत बैठेंगे सोचेंगे तो वो कुछ ना कुछ नई आइडिया वो सबकॉन्शियस माइंड देगा। नंबर 2, आप समझो कहीं अटके हुए हैं, तो क्या होता है कि आप अटक जाते हैं। स्पेशली देखो आप जब स्कूल कॉलेज में थे तो मैथमेटिक्स में अटक जाते हैं, तो फिर अपने को समझते हैं क्या करना, कितना सोच रहे कितना सोच रहे, समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम वो डाल देते हैं सबकॉन्शियस माइंड, मतलब हम क्या करते हैं, बुक बंद कर देते और बुक बंद करके जाके दूसरा काम चालू कर देते हैं। क्या हो गया, अभी कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को ये सवाल पूछ लिया कि भाई यहाँ अटका हूँ मैं, बताओ क्या है। तो और फिर स्नान करते करते, खाना खाते खाते फटाक से कुछ तो भी दिमाग में आएगा, या कुछ समय बाद में फिर आप आके बैठो, फिर चालू करो और आप वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एकादा दोस्त हमको मिलता है बहुत साल के बाद में, बोलते इसका नाम क्या है समझ में नहीं आ रहा है, याद करते 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 उसको बोलता है हेलो कैसे हो आप, ऐसा वैसा, आप सब यस ठीक हूँ, आई एम फाइन, नो प्रॉब्लम है, टाइम निकाल देते हैं, बोले नाम क्या है इसका समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाम है समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। और फिर घर में जाने के बाद में घंटा 2 घंटे बाद शाम को स्नान करते समय, अरे अच्छा वो तो अपना पक्या बचपन का दोस्त अब भी ख्याल में आया। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में सब इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको सवाल डाल दो उसमें, वो आपको जवाब देगा। नंबर 3, आपके जो गोल्स है उसके क्यूज तैयार करो और वो आजू बाजू वातावरण में रख दो। गोल्स के क्यूज मतलब समझो, मेरा गोल है कि भाई मर्सिडीज कार खरीदना, 1 करोड़ का फ्लैट लेना। अभी उसके क्यूज मतलब उसके पिक्चर्स, उसका विजन बोर्ड, ऐसा कुछ ना कुछ आजू बाजू में रखना है। तो आपको जाते आते वो कंटिन्यूसली हैमर होते जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में, और वो जब हैमर होता है सबकॉन्शियस माइंड में तो उसकी एक्टिविटी अंदर के अंदर चालू रहेंगी और वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। तो ये हो गया 3। चौथा है कि मेडिटेशन करो, मेडिटेट। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप सबकॉन्शियस माइंड को शांत कर देते हो, आपका फोकस आपके श्वास के ऊपर रहता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ सोचना चालू कर देता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आ जाएगी। तो हरदम मेडिटेशन करने की आदत डालो। नंबर 5, सेल्फ हिप्नोसिस करो। सेल्फ हिप्नोसिस में क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो सो जाता है, वो बाजू हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड सरफेस पे आता है और अभी सबकॉन्शियस माइंड को आप विजुअलाइज करने लगाओ। जो आपको चाहिए उसका पिक्चर तैयार करना, उसका एक इमेज तैयार करना, उसकी एक तस्वीर बनाना हिप्नोसिस में, और उसको बताना कि देख तेरे को है ना एक कार खरीदनी है, देख तेरे को है ना मर्सिडीज कार खरीदनी है, या है ना 1 करोड़ का फ्लैट लेने का है ऐसा, और वो मिल चुका है, मतलब वो डन डील है, एक्चुअली मैंने फ्लैट खरीद लिया है, मैं फ्लैट में रहने को गया हूँ, मैंने कार खरीद लिया है, कार में बैठ के मैं कार चला रहा हूँ, मतलब इस तरह का विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, पिक्चर तैयार करना हिप्नोसिस में करने का है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भाषा समझती नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर समझता है, इमेज समझती है, इसलिए उसको इमेज दिखाना है। तो क्या 5, 6वां पॉइंट है कि आपकी कीज ड्रॉप करो, उसको बोलते हैं ड्रॉप ईयर की। ड्रॉप ईयर की मतलब क्या है, ड्रॉप ईयर की मतलब आप जो भी काम करें वो छोड़ दो और जस्ट आराम कुर्सी में बैठो, आंखें बंद करके बैठो और जस्ट हल्की सी एक रिलैक्सेशन की अवस्था डालो। उसको बोलते हैं ना इंग्लिश में अच्छा शब्द है, उसको बोलते हैं डोजिंग, मतलब ना नींद है ना आप जागे हुए हैं। उस समय क्या होता है कि थीटा या डेल्टा वेव्स दिमाग में चालू रहती है, अल्फा और बीटा जो है वो ख़त्म हो जाती है, अल्फा वेव्स नहीं रहती, बीटा वेव्स नहीं रहती, थीटा और डेल्टा वेव चालू हो जाती है, मतलब इतना दिमाग रिलैक्स हो जाता है, इतना सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाएगा और उस समय फिर वो कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी तैयार करेगा। नंबर 7, 7वां पॉइंट है
ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना चालू करो। ग्रेटिट्यूड का मतलब धन्यवाद, आभार। जो अपने पास में है उसके लिए आप आभारी है, उसके लिए कृतज्ञ है, उसके लिए आपका ग्रेटिट्यूड है, उसके लिए आप बहुत थैंकफुल है। जो भी कुछ दिन भर में हुआ उसके मेन मेन पॉइंट्स आप लिखते हैं आपके जर्नल में, और जर्नल राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं कि आज दिन भर में क्या हुआ, क्या गलतियाँ किया, क्या मैं कर सकता था वो नहीं किया, क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, और ठळक यानी मुख्य मुख्य मेन मेन पॉइंट्स जो है मराठी में बोलते ठळक बातम्या, तो वो आपको लिखने का है ग्रेटिट्यूड जर्नल में। और आप कौन सी चीज़ के लिए आप कृतज्ञ है वो भी लिखना है। कितनी सारी बातें होती है हमारे फेवर के लिए और हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं है। तो जब कृतज्ञता होती है ना तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत फेवरेबल काम करना चालू करता है। जब आप कृतज्ञ होते हो और लिखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को पावर मिलती है, उससे बहुत पावरफुल बन जाता है। सातवां पॉइंट, आठवां जो है वो है कि आपके गोल्स जो है वो रोज लिखो। आपको जो चाहिए वो रोज लिखो। जब आप वो रोज लिखेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे रोज, तो क्या होगा, वो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो होगा अफर्मेशन, वो होगा हैमरिंग। और वो जब हैमरिंग होता है, अफर्मेशन होता है, तो डेफिनेटली वो अंदर तक घुस जाएगा, वो जाएगा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तक, हाइपोथैलेमस तक, और वहाँ से एक्शन होना चालू हो जाएगा और आप एक्शन लेंगे, और जब एक्शन लेंगे सफलता मिलेगी। तो ये संभव है, यह सभी संभव है। आपको पता है कि उसमें की ताकत कितनी है सबकॉन्शियस माइंड में। आप कल्पना करो कि आप दो बैग लेके अपने ऑटो से, ऑटो रिक्शा से आप नीचे उतरे हो स्टेशन के बाहर, 9 बजे रात के, ट्रेन धड़ 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 करके प्लेटफॉर्म में बस आ ही रही है, स्लो होकर रुक रही है, आपको वो ट्रेन पकड़ने का है। अब बाहर ऑटो रिक्शा ने आपको रुका दिया, वहाँ कोई कुली नहीं है, और वहाँ से दो बैग लेके आपको कोई भी हालत में ट्रेन में चढ़ना ही चढ़ना है, ट्रेन छूटना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान हो जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा बाद में, तो फिर क्या करोगे आप? कुली भी नहीं है तो आप अकेले हो, आप दो बैग उठाएंगे और दौड़ते 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 कहाँ से मालूम नहीं ताकत कहाँ से आ जाएंगी, और वो आप जाएंगे और ट्रेन को बोर्ड करेंगे। मैंने किया हुआ है, खुद ने किया है, मेरे साथ में ऐसा हुआ है। अदरवाइज मैं कुली को बुलाऊंगा, मैंने वे मेरे से दो बैग नहीं उठे जाते, मेरे को आराम आराम से जाने का है। तो हमारे पास में सब रिसोर्सेज है। NLP में बोलते हैं ना कि भाई यू हैव ऑल द रिसोर्सेस, जो आपको चाहिए ना वो सब मिलाने के लिए आपके पास में रिसोर्सेज है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। तो वो है, तो ये 8 पॉइंट्स यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, 8 टिप्स, तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड की पावर आप यूटिलाइज करके उसको दोष बना के आप सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ, 1, डू नथिंग, 2, जहाँ अटके हैं वहाँ वो काम छोड़ के बाद में उसका आंसर सबकॉन्शियस माइंड को ढूंढने दो, 3, अपने गोल्स के क्यूज तैयार करो, 4, मेडिटेशन करो, 5, हिप्नोसिस करो और उसमें विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन, 6, ड्रॉप योर कीज, 7, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, 8, आपके गोल्स रोज लिखो। ये आप करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दोस्त बनेगा और आप बहुत सारी सफलता जिंदगी में हासिल कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच।